अरे सुन अरे शिव के बचन सुनत करुणा निधि शिव के बचन सुनत करुणा अरे नरसी कंठ लगायो है भाई नरसी कंठ लगायो शंकर भगवान ने जीव कहा अरे ये तो तुम्हारा भगत है इतना सुनते ही मदन मोहन श्याम सुंदर माँ के बिहारी लाल ने नरसी जी को अपने कंठों में चलो भगत और भगवान की और कोई आदमी पहली बार अपने आता है संत पुरुष आता है कहीं दूसरे से आता है तो लोग उसको गिफ्ट देते हैं तो क्या गिफ्ट दिए नरसिंह जी को कृष्ण भगवान ने अरे रीजे हरी दियो के दारो रीजे हरी दियो के दारो अरे नागरियो जस गावे है भाई नागरियो जस गावे अरे चापाऊचे को लोक वृंदावन जालोचे को लोक वृंदावन अरे हर जीरा सिर चायो है भाई हर जीरा सिर चायो है और नरसिंह जी को भगवान ने अपनी सबसे प्रिय राग थी केदार केदार राग दे दी नरसिंह जी जान नरसिंह कभी मेरे को याद करेगा ना केदार गा दे अगर मैं तेरे सामने आ जाऊंगा इतना सुंदर उपहार दिया उसे और अपने आप को आनंद महसूस करते हुए नरसिंह जी वापस धरातल पे आ जाते हैं और कहते हैं भगवान श्याम सुंदर कहते हैं नरसिंह जी को कि वहां जाने के बाद मेरे को भूल मत जाइए और कभी मेरे को लेटर देना हो ना पत्र तो पत्र के ऊपर क्या लिखना खाली सांवल सा लिख देना मेरे पास अपना मिल जाएगा चलो भाई नरसिंह जी आ गए अपने घर पे आ गए फिर हरि कीर्तन करने लग गए और नरसिंह जी वहां से क्या मिला वहां पे मूर्ति मुकुट पीतांबर करताल और केदार राग लेके नरसिंह जी अपने धरातल पे आ गए वेश चेंज हो गया नरसिंह जी का साधु वेश में आ गए नरसिंह जी आपस में आड़त बढ़ी आपस में दोनों का प्रेम बढ़ गया नरसिंह जी का और कृष्ण जी का शंकर भगवान दूर हो गए कनेक्शन डायरेक्ट हो गया आपस में आड़त बढ़ी और बक्की भई पिछाण अरे कागज दीजो द्वारका सावर सा सहनाय जय जय अरे द्वारका लिख दीजियो अरे सावर सा नाम लिख दियो मेरे अपना मिल जाएगा कागज अब भगवान से काम पड़ गया क्या पड़ गया प्रथम ही ले हुंडी लिखी सबसे पहले नरसिंह जी ने हुंडी लिख दी सावरसा सेठ के नाम अरे सो प्रभु दीन सिकाय प्रभु ने उसकी लाज रख ली नरसिंह जी के महाराज हुंडी कैसे है सुनो हुआ ऐसा कि एक बार राजस्थान से संतों की टोली द्वारकाधीश द्वारका रात दर्शन करने जा रही थी और उसके बीच में जूनागढ़ पड़ता था जूनागढ़ बीच में पड़ता था और संत अपने मगन होके अपने मस्ती के साथ में द्वारका जा रहे हैं चलो द्वारका धाम मिलेंगे वहां नयनन अभिराम चलो द्वारका धाम मिलेंगे जहां नयनन अभिराम चलो द्वारका धाम सब बैठे हुए सब साथ में गई द्वारकाधीश के दर्शन का पुण्य मिलेगा आपको चलो द्वारका धाम मिलेंगे वहां नयनन अभिराम चलो द्वारका धाम मिलेंगे वहां नयनन अभिराम हरे रामा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare ऐसे संत लोग
जा रहे थे, बीच में स्टॉपेज आ गया जूनागढ़ का, जूनागढ़ का स्टॉपेज आ गया, तो रात को रुकना था जूनागढ़ में। तो जूनागढ़ में आए तो पूछा, भाई यहाँ का कोई सेठ है क्या? वहां का नाई मिल गया, सब गांव में नाई रहता है, नाई मिल गया। तो नाई क्या बोलता है, अरे सेठ, हमारे गांव में कोई सेठ नहीं रहता। तो भाई को सेठ बताओ कोई रहता है? अरे हमारे गांव में कोई सेठ रहता ही नहीं है। अरे कोई तो बताओ सेठ कि हमको रात का भोजन दे दे। अरे बाबा हमारे गांव में कोई सेठ नहीं रहता है, यहाँ का तो सेठों का सेठ नरसिंह मेहता रहता है। जय हो। और क्या था, सेठों की साधुओं की पूरी जमात नरसिंह जी के सामने डेरा डाल दी। नरसिंह जी आप आज का भोजन तो आपके यहीं होएगा। नरसिंह जी बोले, अरे धनभाग धना मेरा, इतना साधु मेरे द्वारे में। नरसिंह जी गदगद हो गए साधुओं को देख के। चलो द्वारका धाम मिलेंगे वहाँ नैनन अभिराम, चलो द्वारका धाम मिलेंगे वहाँ नैनन। और नरसिंह जी अपने घरवाले को कहते हैं, अरे धनबाद घड़ी तेरे आज, देख तेरे द्वारे पे कितने साधु आए हैं। घरवाले ने बोला, पहले अंदर आके देख, तीन दिन से चूल्हा नहीं जला है, कहां से कराएगा इसको तू। नरसिंह जी ने कहा, अरे रहने दे, जिसके ऊपर लुटाया है वो रक्षा करेगा, अपनी क्यों चिंता करती है। और क्या था, हुआ यूं, उसमें से एक साधु था, वो बोला, अरे नरसिंह जी मैंने पूरी जीवन पर्यंत मैंने कमाई की है बचपन से लेकर आज तक, कि द्वारका जाऊंगा तो भंडारा करूंगा, मेरी इच्छा है, मैंने पैसे बचा के रखे हैं, लेकिन वो पैसे में सुना के रास्ते में डाकू बहुत रहते हैं, वो पैसा लूट लेंगे मेरा। तो एक काम करियो नरसिंह जी, ये पैसा आप रख लो। नरसिंह जी बोला, ना 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 ना, ना मैं नहीं रखता पैसा भैया। अरे नरसिंह जी रख लो भाई। नरसिंह जी बोला, ना मैं नहीं रखता भाई। अरे नरसिंह जी पैसा रख लो और आप हुंडी लिख के दे दो मेरे को। नरसिंह जी बोला, अरे हुंडी मेरी नहीं चलती है बाबा, मालूम नहीं तेरे को। लेकिन नरसिंह जी ने सोचा, अरे ये नहीं बोलता है, इसमें मेरा ठाकुर बोलता है। नरसिंह जी ने उसका पैसा लिया, बाजार गए, सौदा लाए, खूब मिठाई बनाई चकाचक, और साधुओं को खूब भोजन कराया तबियत के साथ। और साधु ने कहा, अरे नरसिंह जी आप भी कर लो। नरसिंह जी बोला, अरे साधुओं को मैं कैसे खा सकती, जितना बचा साधु के साथ में बांध दिया नरसिंह जी ने। और हुंडी लिख दी, सांवलसा सेठ रोकड़ा गिनकर थोकड़ा दे दीजियो। और साधु, चलो द्वारका धाम मिलेंगे वहाँ नैनन अभिराम, चलो द्वारका धाम मिलेंगे वहाँ नैनन अभिराम। करते करते साधु संकीर्तन करते करते हुए द्वारका चले गए। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। और साधु द्वारका पहुंच गए। होना क्या था, वहां पूछा कोई सांवलसा सेठ, सांवलसा सेठ बोला, यहां कोई सांवलसा सेठ नहीं रहता है जी। तीन दिन तक साधु घूमते रहे। दूसरे साधु ने कहा, अरे नरसिंह तो बेचारा पहले ही कह रहा था मेरी हुंडी नहीं चलती है, क्यों जबरदस्ती लिखाया बेचारे से, अभी बोलता है सांवलसा सेठ नहीं मिलता, सांवलसा सेठ नहीं मिलता है। साधु बोला, रहे मेरी तो पूरी जिंदगी की कमाई ही सारी गई मेरी, तो मैं क्या भंडारो करूं। तीन दिन तक साधु घूमता रहा, खाबा को रस्तों को बैठे हो तरह के बेचारा, पूरे गांव गांव गली गली में पूछ लिया, कोई सांवलसा सेठ है तो बता दो रे, बता दो रे, बता दो रे। गांव वाला बोले, सांवलसा सेठ कोई को नहीं रहे, तो एक द्वारका धी जरूर है, वो है खाली सांवल सेठ को नहीं।
लेकिन भगत की पीड़ा ना भगवान कोई देख सकेंगे। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए भगत का मान न घट देते। होना क्या था, अरे सावण सा सेठ अपने सज धज के मुनियों के साथ में, अरे बांध पागड़ी लगा किलंगी, बांध पागड़ी लगा किलंगी, अरे सेठ सवरियो आयो है भाई, सेठ सवरियो आयो है, अरे कानार माहिर कुंडल झलके, काना माहिर सुंदर रूप ठाकुर का देखिए, अरे कांतार माहिर कुंडल जमकर, आना माहिर कुंडल जमकर, अद्भुत रूप दिखायो है भाई, अद्भुत रूप दिखायो है, अद्भुत रूप दिखायो है भाई, अद्भुत रूप दिखायो है। सावल सा सेठ की सब लोग 15-20 मुनीम सा गए, सावल सा सेठ गए, सब बोलता जा रहे हैं सावण सा सेठ की जय। सब साथ में बोलो सावण सा सेठ की जय। मुनि पीछे चल रहे हैं, सावण सा सेठ आगे चल रहे हैं, एक दूसरा साधु बतलाव में लग गया। अरे ज्ञानदास जी सुन रहे होगे, आवाज आ रही है, बोलो क्या की आ रही है, बोलो सावण सा सेठ की जय हो, जय हो। अरे बोलो भटनी चालू आवन तो साधु दौड़ लगाई भी गली का मायने, मैंने पूछा अरे सावण सा सेठ का मैं आना सावण सा सेठ, अरे तो 3 दिन तक कट यहाँ बताओ, अरे बोले गांव का बड़ा है मेरा एड्रेस गोंदी हो थाना यारो। और बोलिया साधु सब मिलकर बोलिया इन कागज में पहचान हो के किए है, तो नरसी जी को लिखेड़ो कागज जो सावण सा सेठ देखियो है आपके सामने। ओ हो हो हो, अरे या तो महाराज नरसी सेठ की हुंडी, अरे भाई या तो प्रभु गदगद हो गया देखकर, झट रोकड़ा गिनकर थोकड़ा दे देनिया संभालो। अरे एक काम करियो, आज को पूरा भोजन मारी तरफ से धारा है, जय हो जय हो। ठाकुर ने जितना साधु संत आया सब ने पूरा द्वारका को भ्रमण करायो, 3 दिन तक जो खातिर करिए भगवान मां की, जो साधु थक जाता ना तो रात में सावण सा सेठ नौकर बनकर बाका पग दबाया करता था। यह सावण सेठ की लीला है, भक्तवा विश्वास होने से ठाकुर का मायने खा लिया। भगवान ने कहा थे नरसिंह जी का भेजड़ आया हो ना, हमारा मेहमान हो, खूब सेवा करी साधुआ की। जब साधु जाने लग गया तो ठाकुर जी ने सारो सामान जो रस्ते में खाना को तो पूरे साधुओं के साथ बांध के दे दीने, और एक लेटर भी दे दियो कि नरसिंह जी दे दीजिए जाकर। लेटर में क्या लिखे तो कि नरसिंह जी जो सेवा थे मन दी हो आज, आज सेवा मन हमेशा देता रहिए। और नरसिंह जी तुम्हारा दिया हुआ जो मेरे पास में है ना जमा, उस पे ब्याज दर ब्याज इतना बढ़ रहा है कि तुम डेली अगर इतने हजारों के हजार गुना अगर भेजते हो साधु तो मेरे पास कम नहीं पड़ने वाला। और इधर साधु वापस आ गए, वापस जूनागढ़ आ गया। अब नरसिंह जी सोचने लगे मन का मायने, अरे भाई मैं तो खोटी हिंडी लिख दी, बेचारा साधु की नहीं सिकरी होसी तो साधु तो दुखी होगा उसी बेचारा। नरसिंह जी आपका ठाकुर जी के सामने अरदास कर रहे बैठे बैठे, अरे पूजा गोपी चंदन भारे, अरे तुलसी सोने को हार, अरे साचो देनो भारो सावरो, ओ मारी ढोलक झांझ कर ताल रे सांवरा गिरधारी, ओ भारी होंडी शिकारो मारा सांवरा गिरधारी, ओ भारी होंडी शिकारो मारा सांवरा
अपने ठाकुर के सामने, तब साधुओं ने दरवाजा खटखटाया। अरे नरसिंह जी दरवाजा खोलो। नरसिंह जी घबरा गए, अरे साधु का काम नहीं पड़ रहा होगा, खटखट कर रहे हैं, सारे आवाज लगा रहे हैं। तब साधु ने बोला जोर से, अरे नरसिंह जी सावण सा सेठ थारे लिए संदेशो दियो है। दरवाजो खोलो। तो नरसिंह जी घर दरवाजो खोलो। साधु बोले अरे तीन दिन तो बहुत दिन का लिया, लेकिन तीन दिन के बाद में जो सेवा करी है आज तक उन भूल पा रहा, खूब मेजबानी करी। अरे सुनो सुनो, लेकिन